बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मयरिंग लेंथ। मयरिंग का मतलब होता है मापना और लेंथ लंबाई को कहते हैं। लेंथ नापने से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है। हम लेंथ ऑफ टाइम के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उसको हम बाद में मयर करना सीखेंगे। तो किसी का मशहूर कौल है, लाइफ इज़ अ प्ले, इट इज़ नॉट इट्स लेंथ बट इट्स परफॉर्मेंस दैट काउंट्स। ज़िंदगी जो है वो एक खेल है, इसकी लंबाई मैटर नहीं करती, बल्कि हम ज़िंदगी गुजारते किस तरह हैं वो ज़्यादा काउंट करता है, यानी उसको ज़्यादा गिनना चाहिए। अलामा इकबाल का एक शेर भी है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। और कुरान मजीद की एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसकी उसने सही की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला कुरान में ज़माने की कसम कह दिए हैं कि दर हकीकत इंसान खसारे में है, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वो सीधे रास्ते की तरफ, हक़ की तरफ लेकर जाती है। और कुरान को पढ़ो जो तर्जमे के साथ, समझ कर पता चले अल्लाह हमारे से क्या कह रहा है। आपको पता है कि रूलर को रूलर क्यों कहते हैं? हम रूलर को इसलिए रूलर कहते हैं, किसी ज़माने में लोग बादशाहों के पाँव के हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ों की लंबाई मापते थे। बादशाह अपने पाँव की लंबाई में स्टिक कटवाता था और उसे रूलर कहते थे। जब हम लंबाई मापते हैं तो देखते हैं कि कोई चीज़ कितनी लंबी है। आप किसी चीज़ की भी लंबाई माप सकते हैं, और लंबाई मापने की इकाई गैर मियारी भी हो सकती है और मियारी भी। गैर मियारी में हम हैंड स्पैन, बालिश्त इस्तेमाल करते हैं, बाजू, अक्यूबिट पाँव या स्ट्राइड लंबे कदम, और जो स्टैंडर्ड है उसमें हम रूलर यूज़ करते हैं और मेजरिंग टेप। क्योंकि किसी का बाजू लंबा और छोटा हो सकता है, किसी की बालिश भी छोटी और लंबी हो सकती है, पाँव भी छोटे और बड़े हो सकते हैं, और या पेपर पेंसिल क्लिप्स यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज़ करते हैं तो वो सारे स्टैंडर्ड होते हैं, सब एक ही जैसा मेजर करेंगे। उसमें हम सेंटीमीटर्स यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर्स से छोटे मिलीमीटर्स होते हैं, मीटर्स होते हैं और किलोमीटर्स होते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो 10 मिलीमीटर का एक सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का एक मीटर होता है, और 1000 मीटर का एक किलोमीटर होता है। आमतौर पर मेजरमेंट करने के लिए टूल इस्तेमाल होते हैं, रूलर, टेप और मेटल टेप। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान फासले को लेंथ कहते हैं। जैसे ये एक पेंसिल है तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर लंबी है। इधर एक इरेज़र है, ये आप देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर लंबा है, और ये सीजर्स आर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और कैंची जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है। अब आपके सामने ये नेकलेस की लंबाई आप बताएंगे, द लेंथ ऑफ द नेकलेस इज़। अब आप इसकी मेजरमेंट देखें, वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, अपनी कॉपी पे इसकी मेजरमेंट लिखें और फिर हम आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ नेकलेस इज़ 12 सेंटीमीटर। आप देखें 1 से 12 तक, ये नेकलेस गले के हार को कहते हैं। फिर है मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल। अब आप इसकी द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज डैश सेंटीमीटर। अब वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, दोबारा से इसको गौर से देखें, अपने कॉपी पेंसिल पे इसकी लेंथ लिखें, और आप ये देख रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर है, 7 दोनों तरफ हमने लाइंस लगाई हैं, और ये पेंसिल 7 सेंटीमीटर लंबी है। अब इसमें ये एक नेल है, कील को नेल इंग्लिश में कहते हैं। द लेंथ ऑफ द नेल इज हाउ मच सेंटीमीटर। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और देखें कि कितने नेल जो है वो कितना लंबा है, तो ये है 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द नेल इज़ 4 सेंटीमीटर। अब आप रिस्ट वॉच स्ट्रैप के साथ है, द लेंथ ऑफ द वॉच इज़ हाउ मच सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करें और से दोबारा पिछली स्लाइड को देखें और फिर आगे इसका जवाब देखते हैं, द लेंथ ऑफ द वॉच इज़ 11 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप
अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने सबक में भी, अपनी ज़िंदगी में भी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।